अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है चिकन पेने पास्ता। तो चले आए इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में पानी ले लेंगे, पानी को बॉईल कर लेंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर दूंगी। पानी में बॉईल आएगा तो इसमें मैं पेने पास्ता ऐड करूंगी। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। तो देखिए पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं ओलिव ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा ही नमक ऐड करूंगी। इसके डालने से होगा कि जो पास्ता हम उसको बॉयल करेंगे वापस में चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने 300 ग्राम पेने पास्ता लिया है। अब इसको इस तरह डाल देंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को बनाने जा रहे हैं तो इसको एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। मोर रेसिपीज और डिटेल इंग्रेडिएंट्स के लिए उम्मेद स्टोर किचन पर विजिट करें। ये पास्ता बॉईल हो चुका है। इसको पानी में से मैं ड्रेन कर दूंगी और ड्रेन करने के बाद इसे मैं ठंडे पानी के इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो इसको मैं उतार लूंगी अब। तो ये देखें इसे मैंने पानी में से निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाला था और ये देखें एक दूसरे के साथ चिपक भी नहीं रहा, एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है। तो चले आए आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो एक अलहदा से कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। 2-3 स्पून ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। ये चिकन बोनलेस लिया है मैंने, 250 ग्राम है। ऑयल गर्म हो गया है, चिकन को ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैं तो देखें चिकन हल्का सा ये फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन डाल दूंगी जो कि 1 टीस्पून है। उसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी मैं। अब इसके अंदर नमक डालूंगी मैं हसबे ज़रूरत। ये मैंने साबुत ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया लिया था, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया और बाहर ठंडा रोस्ट करने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद मैंने इसे हल्का सा क्रश कर लिया था। तो ये 1 टीस्पून है, ये भी इसमें जाएगा। मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अब हम टमाटर प्यूरी लेंगे, इसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया था। ये 4-5 टमाटर थे, इनको पानी में बॉईल करके मैंने इनकी स्किन उतार दी थी और बाद में इसको हल्का सा मैंने ब्रेंड कर दिया था। तो ये हमारे टमाटर प्यूरी तैयार हो गई है, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं एक प्याज डाल दूंगी जो कि 1 अदद है, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, ये भी इसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई ही रखेंगे।
एक कप लिया मैंने शिमला मिर्च, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे, इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को बस हमने हल्का सा बस सॉफ्ट ही करना है, इसको ज्यादा गलाएंगे नहीं इसको हम। इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे जो कि हाफ टी स्पून है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चिकन भी इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। हम इसका पानी अच्छी तरह से हम ड्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ये पैने पास्ता डाल देंगे जिसको हमने बॉईल करके रखा था। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मसाले के अंदर। पैने पास्ता को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसाले में। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और कुटी हुई मिर्च डालूंगी, मैं ज़्यादा नहीं है बस हल्की सी। तो ये हमारा पैने पास्ता तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी मैं। चिकन पैने पास्ता तैयार है। बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट डिश है, उनको बहुत ही पसंद आएगा, उनको बनाकर खिलाएं। पसंद आए थम्स अप करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है ये। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।